हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित बाली है। मैं एक प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और शौकिया तौर पर कभी कभी गिटार हाथ में पकड़ लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो एक सॉन्ग को लेकर है, शेरशाह मूवी के सॉन्ग को लेकर, रब्ता लंबियाँ। उसका ट्यूटोरियल, उसका लेसन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में कौन सा लाइन में कौन सा कॉर्ड शिफ्ट हुआ है और देखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड में आपको सॉन्ग के साथ में कैसा पूरा सॉन्ग प्ले हुआ है और कहाँ कहाँ पे कौन सा कॉर्ड शिफ्टिंग हुआ है, वो पूरा रिटर्न में सॉन्ग के साथ में मिलेगा आपको। और अगर आपको बिना ट्यूटोरियल के सॉन्ग भी मैंने किया है तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई कार्ड पर मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिगनर हैं, आप नए हैं, अभी आपने 3-4 महीने पकड़े हैं, कॉर्ड्स शिफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी आपके लिए गाना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस मूवी के गानों की एक खास बात है, खासकर जैसे रांझा गाना ले लीजिए आप, राता लंबियां ले लीजिए, इसमें आपको कॉर्ड शिफ्ट करने को एक टाइम मिलता है। भागम भागे में कॉर्ड शिफ्टिंग नहीं है इसमें। तो जो बिगनर्स हैं वो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये ऐसे सॉन्ग्स हैं इनमें आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हो, चेक इफेक्ट, म्यूट इफेक्ट ला सकते हो, थम इफेक्ट ला सकते हो, या भी जो भी आपके दिमाग में गाना सुन के आता है कि यार यहाँ पे ऐसा हो सकता है, आप उसको प्ले कर सकते हो। बाकी म्यूज़िक का कोई अंत नहीं है दोस्तों। मैं तो एक सिंपल सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपके दिमाग में जो आता है प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने करते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर निकालेंगे। और ये सोचेंगे यार ये नहीं हो पाएगा हमसे, तो जब सोच ही दिया अब नहीं हो पाएगा तो वो नहीं होगा, फिर छूट ही जाएगा आपसे। तो गिटार को कभी मत छोड़िए, जो बिगनर्स हैं उनको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं तो लेट 30s में गिटार पकड़ा था, आप तो जवान बनते हो यार, आप तो मेरी उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप तो उड़ा दोगे, रॉकेट उड़ा दोगे। तो चलिए अब चलते हैं सॉन्ग की तरफ में। तो दोस्तों, इस गाने को सिंपलीफाई करने के लिए, इसके कॉर्ड्स को सिंपलीफाई करने के लिए हमें कैपो का यूज़ करना है और कैपो को प्लेस करना है हमने 3rd फ्रेट पे। दोस्तों, इस सॉन्ग में शुरू में एक इंट्रो पार्ट है, टाणा नाणा नाणा नाणा, टाणा नाणा नाणा नाणा, तो वो कुछ इस तरह से है। उसको प्ले बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, 1st फिंगर 5th फ्रेट पे रखा हमने जी स्ट्रिंग पे, यानी कि 3rd स्ट्रिंग पे, और पिंकी फिंग को रखा है मैंने इसी 3rd स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पे। तो अब क्या किया मैंने, एक बार प्ले किया 5th को, दो बार प्ले किया 7th को, दो बार प्ले किया 5th को, दो बार प्ले किया 7th को, और एक बार 5th को। तो ये कैसे बनेगा, इस तरीके से दो बार प्ले करना है। अब हमने 1st फिंगर को रखना है 2nd स्ट्रिंग के 6th फ्रेट पे, और पिंकी फिंगर को रखना है 2nd स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पे। और फिर से वैसे करेंगे, जो हमारा 6th फ्रेट है 2nd स्ट्रिंग पे, एक बार प्ले किया 8th फ्रेट पे दो बार, फिर दो बार 6th पे, दो बार 8th पे, और एक बार 6th पे। तो कैसे, इस तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे इस तरीके से पकड़ लिया है। तो इस फिंगर को अपने आप ने क्या करना है, इन दोनों फिंगर्स को 1 फ्रेट नीचे और 1 फ्रेट फॉरवर्ड मूव करके रख देना है चुपचाप, बस और कुछ नहीं करना है। तो पूरा प्ले करने के लिए कैसे बना हमारा, तो ये है जो बिल्कुल शुरुआत में एक इंट्रो पार्ट प्ले होता है, इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न की, उसके बाद हम कॉर्ड्स पे आएंगे। स्ट्रम पैटर्न में हम इसका म्यूट इफेक्ट डालेंगे, चेक इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर लगता है कि जो बिगनर्स हैं उनको म्यूट ज़्यादा इजी रहेगा। अपना अपना, किसी को चक इजी लग सकता है, किसी को म्यूट, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिस करके अगर आपने एक भी चीज़ सीख लिया तो आपको दोनों ही इजी लगेंगे।
तो इसमें क्या है, स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो शुरुआत जो की है वो डाउन अप चक डाउन डाउन अप चक डाउन डाउन अप चक। अगर चक ने करना म्यूट कर दिए, म्यूट में चक और म्यूट में फर्क क्या है। अब चक में मैंने अपनी जो फिंगर्स है उनको यहाँ फिट, यहाँ हिट कर रहा हूँ मैं इन अपर की 3 स्ट्रिंग्स पे ये। और म्यूट में क्या है, मुझे हिट नहीं करना है, बस ऐसे और ये रख देना है अपनी, ये पूरा म्यूट कर दिया बस। अब देखिए जो पैटर्न है वो कैसे है, डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन, पूरे सॉन्ग में ऐसे चलेगा। बस शुरुआत में एक बार होगा, शुरुआत में एक बार डाउन करेंगे आप, डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन, पूरे सॉन्ग में यही चलना है। अब एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि म्यूट कैसे लगा सकते हो। देखिए सबसे पहले दोस्तों कि आपको जो मूवमेंट करनी है वो रिस्ट से करनी है। शुरुआत में हम लोग यहाँ से मूवमेंट करते हैं, ये जो बिगनर्स हैं ये मतलब जब नया गिटार पकड़ते हैं तो हमारा बाय रिफ्लेक्सेस ही हम यहाँ से मूवमेंट करते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। आदत बनाइए इसको, बॉडी पे रेस्ट कीजिए और अपने जो रिस्ट है इसको बिल्कुल ढीला रखिए और रिस्ट से मूवमेंट कीजिए। इससे अब आपको थोड़ा सा म्यूट ईजी करना हो जाएगा। अब होता है कि इसमें क्या है कि आप जब आप रिस्ट को मूव करते हैं, एक तो स्ट्रम इजी हो जाता है करने के लिए, आपकी जो प्लेक्ट्रम है ये अपनी फंसती नहीं है स्ट्रिंग्स के बीच में, स्लाइड करता है। और दूसरा पोजीशन जो है म्यूट, देखिए म्यूट करने की, आपने नीचे किया, अब मेरे को ऊपर म्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ऊपर लाया, ऊपर लाने के साथ में अपने ये हथेली का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा ये हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर रख दिया है। ये साइमल्टेनियस एक्शन होगा ऊपर आने के साथ में, इसमें कोई गैप नहीं होगा। डाउन जैसे ऊपर आया ये रख दिया, ये डाउन अप म्यूट डाउन अप म्यूट। अब मैंने जैसे अप आया, देखो जैसे ही अप आ रहा है मेरा अपना हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये ऐसे और ये सीधा है, ये सीधा स्ट्रिंग्स के ऊपर में, जैसे स्ट्रिंग्स पे जाएगा ये म्यूट हो जाएगा, यानी कि जो अप स्ट्रोक है वो प्ले नहीं होगा, वो म्यूट हो जाएगा। डाउन किया और जैसे मैंने अप किया इसको मैंने यहाँ पे हाथ रख के म्यूट कर दिया, उसके बाद फिर डाउन डाउन। अब एक बार प्ले देख लेता हूँ मैं, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं एक बार, देखिए डाउन अप म्यूट डाउन 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 डाउन। और इसी को चेक करना हो तो तरीके से। तो दोस्तों कुछ नहीं है, स्ट्रमिंग को सीखने का या स्ट्रम को कॉपी करने का एक तरीका होता है, इस रिदम रिदम को, इस ट्यून को अपने दिमाग में बिठा दीजिए, इसको दिमाग में मेमोराइज कीजिए या ईयरफोन लगाइए और साथ साथ में कॉपी करना कोशिश कीजिए। उससे आपको स्ट्रम को कॉपी करने को या रिदम को कॉपी करने को इजी रहता है। ऐसे डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन अप म्यूट डाउन डाउन, बस यही चलेगा पूरे सॉन्ग में। अब हम आते हैं कॉर्ड्स की तरफ दोस्तों। कॉर्ड्स बहुत ही सिंपल कॉर्ड्स हैं। फर्स्ट कॉर्ड जो हम यूज करेंगे जी कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड होगा सी एड 9 कॉर्ड। नाम से बिल्कुल नहीं घबराना सुन के, कोई ये बड़ा खतरनाक कॉर्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉर्ड है। आशा करता हूँ आपको पता होंगे कॉर्ड्स कैसे पकड़ते हैं, कहाँ पकड़ते हैं। तो आपने जी कॉर्ड को पकड़ के रखा है, जो आपकी थर्ड थर्ड फिंगर है जो फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस करके रखी है, इसको हमने नहीं छेड़ना है, इसको नहीं उठाना हमने। जो ऊपर की आपकी दो फिंगर्स हैं, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, आपकी फर्स्ट फिंगर ने जो है वो फिफ्थ स्ट्रिंग को प्रेस करके रखा है और आपकी सेकंड फिंगर ने सिक्स स्ट्रिंग को प्रेस करके रखा है, इन दोनों को उठाइए और एक एक स्ट्रिंग डाउन कर दीजिए। यानी कि अब आपकी जो है फर्स्ट फिंगर जो है वो थर्ड स्ट्रिंग पे आ, अब सॉरी नीचे से फोर्थ स्ट्रिंग पे आ चुकी है और आपकी जो मिडल फिंगर है सेकंड फिंगर है वो अब आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो ये जी स्ट्रिंग सॉरी जी कॉर्ड, एक फिंगर हमने फर्स्ट और सेकंड को डाउन कर दिया एक स्ट्रिंग, तो ये बन गया सी एड 9 जी कॉर्ड, सी एड 9 कॉर्ड जी कॉर्ड, सी एड 9 कॉर्ड। थर्ड कॉर्ड अपने पास आएगा डी कॉर्ड और फोर्थ आया हमारे पास
सी कॉर्ड। तो दोस्तों इन चार कॉर्ड में ये गाना हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इन चार कॉर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनका शिफ्टिंग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर मस्त तरीके से गाना गाइए। अब आगे कौन सी लाइन पे कैसे शिफ्ट होना है स्ट्रम पैटर्न के साथ में, आगे आप पूरा गाना देखेंगे। और वैसे मैंने बिना ट्यूटोरियल के सॉन्ग जो है वो मेरे इसमें मिल जाएगा चैनल में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि अब कौन सा कॉर्ड जो है, सॉरी कौन सा कॉर्ड कौन सी लाइन में चलता है, कहाँ कहाँ शिफ्ट होता है। शुरुआत आपकी जी कॉर्ड से होती है, तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, जी कॉर्ड, तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर। अब डी कॉर्ड, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, डी कॉर्ड, सी एंड नाइन, किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए, जानदा है दिल ले जानदी है तू, जी जी कॉर्ड। अब डी में, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू, डी कॉर्ड। अब फिर से सी नाइन में आएगा, किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए, नेक्स्ट, काटूं कैसे जी रातां, सी नाइन, हो सांव तक आपका जी आएगा, ओ साव रे, डी को डो रे डी, तू कैसे रहता, ओ साव रे, इस तरीके से काटू कैसे रहता, ओ साव रे, ठीक है। आगे फिर से वैसे चलेगा, जिया नहीं जी जाता, सी एड नाइन, ओ बाव जी रे, आगे किराता लंबिया लंबिया रे, सी कटे तेरे संगया संगया रे। तो यहां तक देख लिया हमने, अब ये सेम ऐसा ही चलेगा, सॉरी, चम 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 जी अंबरांदे तारे, सी एड नाइन, कहते वे जी सजना, डी, तू ही चन जी मेरे इस दिल दा, सी एड नाइन, कहते वे जी सजना, कि तेरे बिना मेरा सी होवे ना गुजारा, डी, छड़ के ना जावी मैनू सी, तू ही है सहारा, डी। आगे फिर से फिर चलेगा, काटूं कैसे रातां, ओ सांव रे, जिया नहीं जाता, ओ बाव रे, के रातां लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगया संगया रे। दोस्तों आगे भी ऐसे ही चलेगा सॉन्ग, अब पूरा सॉन्ग अब आके सुनिए, उसमें आपको कॉर्ड्स के साथ में जो भी शिफ्टिंग है वो आपको दिख जाएगी, उसको देखिए और साथ साथ में प्ले कीजिए। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा, और तब तक के लिए गुड बाय। चम 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 अमरांदे
don't care.